गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हमारी ड्राइंग एक्टिविटी के जरिए फूड चेन एनर्जी पिरामिड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, इसमें हमारे पास सबसे नीचे फूड पिरामिड में देखिए, यह हमने एक ट्रायंगल की शेप बनाई हुई है। ध्यान से देखिए, इस तरह से यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे नीचे यहाँ पर डीकम्पोजर्स ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज एनिमल वेस्ट फंगी बैक्टीरिया एंड सो ऑन। तो देखिए, ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड प्लांट्स को खाते हैं और एनिमल वेस्ट को, जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया। तो इसके बाद हमारे पास ऊपर इसके ऊपर आ जाता है प्रोड्यूसर्स जो कि अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। किससे तैयार करते हैं? इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से। सन क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसको जो प्रोड्यूसर्स हैं, इनको एनर्जी मिलती है सन से। ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, जैसे कि ये ग्रीन प्लांट्स। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जिनका भोजन होते हैं प्रोड्यूसर्स, जैसे कि रैबिट, काओ, बटरफ्लाइज। प्राइमरी कंज्यूमर्स इज एन ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन प्रोड्यूसर्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, जैसे कि स्नेक, ब्लूबर्ड, लिजर्ड। उसके बाद हमारे पास आता है टॉप पे टर्शरी, दैट फीड्स ओनली ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर्स ही फीड करते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमारी ये फूड चेन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें कलरिंग कर लेते हैं। देखिए, कलरिंग के लिए मैं यहाँ पर आर्टिस्टिक वाटर कलर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आपके पास क्रेयॉन्स है, क्रेयॉन्स यूज़ कर लीजिए। वाटर कलर है, वाटर कलर कर लीजिए। पोस्टर कलर है, पोस्टर कलर। जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है, आप वो कलर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, वाटर कलर करते हुए सबसे पहले हमने ये ध्यान में रखना है कि हमने वाटर कलर से थोड़ा पानी इसमें ज़्यादा लगाना है, कलर कम लगाना है, और हमने वाटर थोड़ा सा ज़्यादा इसमें यूज़ करना है। इस तरह से देखिए, कलर मैंने बिल्कुल कम लगाया है और वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम अपनी पूरी ड्राइंग में कलरिंग कर लेते हैं। ये मैं प्लांट्स में कर रही हूँ, ट्रीज में। इस तरह से देखिए, साइड पे हमने थोड़ी सी ग्रास ड्रॉ की हुई है, उसमें भी हम कलरिंग कर लेते हैं। इधर हमने एक कैक्टस ड्रॉ किया हुआ है, कैक्टस में भी कलर कर लेते हैं। आउटलाइनिंग कैक्टस की मैं थोड़ा डार्क ग्रीन कलर से कर रही हूँ, और अंदर हम थोड़ा सा लाइट कलर फिल करेंगे। इस तरह से देखिए, अंदर की तरफ देखिए, मैंने उसी ब्रश में हल्का सा पानी लगा के ही इसको लाइट कलर कर लिया है। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हमने एक सन बनाया हुआ है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको मेनली जो एनर्जी है वो
सन से मिलती है। वैसे तो जो सन है वो मेन एनर्जी सोर्स है, सभी को एनर्जी मिलती है सन से। सर्दियों में अगर धूप नहीं निकलती तो कितना सब कुछ ठंड सी लगने लगती है सबको, तो एनर्जी जो है वो हमें सन से मिलती है। तो मेन सोर्स जो है हमारा एनर्जी का सन है, लेकिन प्लांट्स को एनर्जी जो है वो बिल्कुल ही पूरी सन से मिलती है। इस तरह से देखिए, अब हम आ जाते हैं अपने प्राइमरी कंज्यूमर्स पर। प्राइमरी कंज्यूमर्स में मैंने काओ, बटरफ्लाई और रैबिट ड्रॉ किया है, तो इनमें भी कलरिंग कर लेते हैं। काओ के लिए हमने हल्का सा ब्लैक कलर लेना है और वाइट कलर, ज़्यादा हम वाइट कलर यूज़ करेंगे, ब्लैक कलर हम बिल्कुल हल्का सा ही यूज़ करेंगे इसमें। इस तरह से देखिए, काओ की कलरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा पिंक कलर यूज करेंगे। इसकी ईयर्स में हम हल्का सा ब्लैक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने काऊ में कलर कर लिया है, रैबिट और बटरफ्लाईज में भी कलर कर लेते हैं। देखिए ऐसे ही हम रैबिट में भी कलर कर रहे हैं, हल्का सा यहाँ पे पिंक कलर करेंगे ईयर्स में। यहाँ पे इसकी हल्की सी हम इस तरह से मूछें बना देते हैं। यहाँ पे स्केच से इसकी आंख ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से आउटलाइनिंग तो हम पूरी पिक्चर की ही बाद में करेंगे। इस तरह से ऐसे ही हम बटरफ्लाईज में भी कलर कर लेंगे। आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अब सिर्फ पानी ही लगाया है, कलर मैंने एक बार ही लगाया था, ताकि जो हम अंदर वाला कलर है वो हम थोड़ा लाइट ही रखेंगे। इस तरह से देखिए हमने बटरफ्लाई कर ली है। अब यहाँ पे भी हमने फ्लाइज बनाई हुई है, इसमें भी कलर कर लेते हैं। इसमें मैं येलो और ब्लैक कलर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से ऐसे ही इसके पंखों में हल्का हल्का कलर करेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हल्का सा वाइट कलर साथ में ले रही हूँ। इसके फेस में भी हम येलो कर देते हैं।
आउटलाइनिंग हम बाद में करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसमें हमने एक ब्लू बर्ड बनाया है, ब्लू बर्ड में हम ब्लू कलर कर लेते हैं। इस तरह से इसके जो पैर हैं इसमें हम ऑरेंज कलर करेंगे और इसकी बीक में भी ऑरेंज कलर करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास स्नेक है और लिजर्ड है, स्नेक में हम ग्रीन कलर कर लेते हैं। रेड कलर की इसकी जॉ कर लेते हैं। लिजर्ड में हम लाइट ब्राउन कलर करेंगे। बीच बीच में हम बाद में थोड़े से डार्क ब्राउन स्पॉट्स बना देंगे। इस तरह से यहाँ पे इसकी आईज हम स्केच से बनाएंगे। इसकी भी और इसकी भी इस तरह से। अब हमारा है ऊपर, सबसे टॉप पर है हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर्स। देखिए टर्शरी कंज्यूमर में हमने लॉइन बनाया है। लॉइन का जो सेंटर वाला फेस है उसमें हम येलो कलर कर देते हैं। इस भाग में यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेते हैं और नीचे वाले पार्ट में हम हल्का सा पिंक कर देते हैं। यहाँ पे भी और जो बाहर वाला पार्ट है इसमें हम डार्क ब्राउन कलरेंगे। डार्क ब्राउन कलर कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से। इसके ये जो हेयर्स हैं डार्क ब्राउन कलर करके आते हैं इस तरह से। इसको हम फिल कर देते हैं। देखिए लॉइन में हमने कलर कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है सन, तो इसमें भी हम कलर कर लेते हैं। यहाँ पे हम डार्क येलो कलर कर लेते हैं।
देते हम सन की कुछ किरणें निकाल देते हैं इस तरह से। इस तरह से और यहाँ पे हमने देखिए थोड़ी सी रेन ड्रॉप्स बनाई हैं, इनमें भी हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं, ब्लू कलर करेंगे। अब हम पूरी पिक्चर की आउटलाइनिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे हमारे पास है प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे हमने एक कैक्टस बनाया है, ये हम थोड़ी सी डार्क ग्रीन स्केच से लाइंस लगा लेते हैं इस तरह से। आप चाहें तो जिस कलर की आपकी पिक्चर बनाई हुई है सेम स्केच से भी आउटलाइनिंग कर सकते हैं, या पूरी पिक्चर की ब्लैक स्केच से भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इस तरह से हम पूरी पिक्चर की आउटलाइनिंग कर लेंगे। देखिए हमने पूरी पिक्चर की आउटलाइनिंग कर ली है। अब हमने ये जो लिखा हुआ है इसको भी हम स्केच से लिख लेते हैं इस तरह से। देखिए फूड चेन एनर्जी पिरामिड, इस तरह से देखिए। इस तरह से जैसे हमने ये भी लिखा हुआ है इसको भी हम स्केच से डार्क कर लेते हैं। देखिए हमने इस तरह से स्केच से पूरा लिख लिया है। अब जहाँ पे कहीं पे भी पेंसिल नज़र आ रही है उसको, जैसे यहाँ पे नज़र आ रही है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। पूरे पे एक बार इरेजर चला देंगे। देखिए हमारा फूड चेन एनर्जी पिरामिड रेडी हो गया है। मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। देखिए सबसे डाउन पे हमने डीकम्पोजर्स लिया है, ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज एनिमल वेस्ट। जो ऑर्गेनिजम्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट खाते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, उनको हम डीकम्पोजर्स कहते हैं, जैसे कि फंगी बैक्टीरिया। उसके बाद हमारे पास उसके ऊपर आ जाता है प्रोड्यूसर्स, जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, स्वयं रेडी करते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड, जैसे कि प्लांट्स, इनको एनर्जी जो है वो सन से मिलती है, तो सन से जब एनर्जी लेते हैं तो अपना जो भोजन है फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना भोजन खुद रेडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स इज एन ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड है। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये जो हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं तो उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोल देते हैं, जैसे कि स्नेक लिजर्ड ब्लूबर्ड। उसके बाद आ जाता है टॉप पे टर्शरी, दे फीड्स ओनली ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स ही खाते हैं। तो इस तरह से आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से हमने देखिए अपनी ड्राइंग एक्टिविटी के ज़रिए फूड चेन एनर्जी पिरामिड की नॉलेज हासिल की है। तो आप ही इसको अपनी ड्राइंग फाइल पे ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू।